हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन। हमें दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है 2i+3j+4k और जो दूसरा वेक्टर है बी 3i+4j+5k। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, हम दोनों के बीच में एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब एंगल हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं, हम लेते हैं सिंपल स्केलर प्रोडक्ट और वी कैन से डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर के साथ, तो यह जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हमें ए और बी क्या मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, तो आ जाएगा 2² + 3² + 4² कि सभी क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे है, आई जी के पे, दूसरे सभी परपेंडिकुलर है, तो आ जाएगा 4 + 9 + 16 अंडर रूट, तो आ जाएगा 13 + 16 अंडर रूट 29। और सिमिलरली अगर वेक्टर बी के बारे में बात करें, तो आ जाएगा 3² + 4² + 5² अंडर रूट, तो आ जाएगा 9 + 16 + 25, तो आ जाएगा 25 + 25 यानी आ जाएगा अंडर रूट 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें ए वेक्टर गिवन है, तो हम सीधा वेक्टर से वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमें जानते हैं। सो आई से आई मल्टीप्लाई होगा, सो 3 2 जाएगा 6 और आई डॉट आई होता है 1, सो 6 3j 4j, तो 4 3 12 + 5 4 20 = तो मैग्नीट्यूड हमें फाइंड किया है, तो आ जाएगा √29 √50 cos थीटा, तो आ जाएगा 18 + 20, तो आ जाएगा 38। अगर मैं इस रूट को सॉल्व करूँगा, 29 × 50 रूट के अंदर चला जाएगा, तो आ जाएगा cos थीटा। फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, तो यह जाएगा 1450 अंडर रूट कॉस थीटा, तो यह जाएगा 38 अंडर रूट 1450 = cos थीटा। अगर मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 38 अंडर रूट 1450 से हमारा आएगा राइट आंसर।